आप माफ कीजिएगा, आपके कभी कभी ये जजों से वकीलों से हमारी बात होती है तो मैं मजाक मजाक में उनसे कहता हूँ, यार तुम बताओ कि मुद्दई क्या है। मैं मौली मंजूर कहता कि ये किताब मेरी है, दूसरा कहता कि ये मेरी है, हम दोनों दावा कर रहे हैं, हम इसे मुद्दई कौन है, मुद्दा आले कौन है, मुद्दई के जिम्मे पर गवाह होंगे, मुद्दा आले कसम उठाएगा, वो उसूल बताओ। वकील साहब इधर मारते रहे उधर मारते रहे, इधर मारते रहे उधर मारते रहे, इधर मारते रहे उधर मारते रहे। मैंने कहा यदि ये चीज़ है इसकी मैं भी दावा कर रहा हूँ कि ये मेरा है, दूसरा मेरा मुकाबिल कहता कि मेरा है, अब जो मुद्दा ही होगा उसकी जिम्मेदारी है कि गवाह पेश करे, अगर नहीं कर सकता तो मुद्दा आले के हक में मुद्दा आले, फिर ये कि अगर इसके पास गवाह नहीं तो मुद्दा आले कसम उठाएं तो उसके हक में फैसले दे देंगे। तो ये उसूल क्या है, कैसे पता चले? अब हम इसमें दोनों दावा कर रहे, वो कहता कि मेरी है किताब मेरी है, मैं कहता हूँ कि मेरी है, हम में से मुद्दा ही कौन। वकील मारता रहा मारता रहा और मैं भी हंसता रहा, आखिरकार मैंने कहा पुत्र कुछ दिन हमारे मदरसे में आकर के पढ़ते रहो, पुत्र कुछ दिन हमारे पास आ जाओ मदरसे में, समझे, ये अंग्रेज की जूतियों में अंग्रेज के पतलों में ये चीज़ें रखी हुई नहीं है, ये अंग्रेज के पतलों में नहीं, आ जाओ तुम, हम ये सिर्फ तुम्हारे ए बी सी डी का अगर फर्क हट जाए ना तो तुम्हारी अकलमंदी का हमें पता है।